तो गाइस कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो मैं मनीष सिंह, आप लोग देख रहे हो सिंह फिटनेस चैनल। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हो कि हमारे फिटनेस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी, मेरे को नहीं लगता ऐसा किसी सप्ताह किसी महीना होता है जिस दिन एक नया कंट्रोवर्सी का जन्म नहीं होता। ऑलमोस्ट आप सभी लोग जानते हैं बैक टू बैक। और अभी जब से शेरू क्लासिक हुआ तब से एक नया कंट्रोवर्सी सपोर्ट टू एथलीट हुआ। देखो इसमें आज हम बात करने वाले हैं ओपनली तरुण के बारे में। देखो जब वो अच्छा काम करते हैं तो हम लोग उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, बट मोस्टली वो अच्छा काम करते नहीं है। 10 काम गलत करेंगे तो एक वो अच्छा काम करेंगे। पिछले आपने देखा होगा ऑलमोस्ट लाइक एक साल से उन्होंने किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया को मतलब बर्बाद करके रखा है। उसको कभी मैगी तो कभी कुछ तो कभी वायग्रा तो फलाना ढमकाना गंदी सुधरी बहुत सारा चीज़ों ने उन्होंने गंद फैलाया सोशल मीडिया में। हमारे बहुत सारे एथलीट्स ने जब उनके खिलाफ बातचीत करा तब उन्होंने उस चीज़ को बंद करा। अब वो एक लेकर आए थे शेरू क्लासिक के रिजल्ट के पक्ष में। देखो क्लियर कट बात करता हूँ कि मैं भी शेरू क्लासिक गया था देखने के लिए, हमारा भी बूथ लगा था वहाँ पे, मैं भी देख रहा था। हम भी उस रिजल्ट से सहमत नहीं थे, मैं भी आप में सारे भाई जी सहमत नहीं थे। अभी जो भी वीडियो डालता हूँ सभी लोग बताते हो कि हाँ भुवन चौहान ने, राहुल बिलाल अली, राहुल फिटनेस जीत रहा था, जो भी। तो चलो हम लोग का एक सहमत है तो हम लोग उस बात को रखेंगे, लेकिन किसी को नीचे दिखाकर किसी को ऊपर भेजना हम लोग को राइट में नहीं। चलो बात रहा एथलीट्स का तो वो भी ठीक है, तरुण गिल जो काम करा कि भाई एथलीट्स के ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, तो हम सभी लोग ने उनके साथ का वीडियो देख सकते हो, हमारे चैनल पे जाकर चेकआउट करना। मैंने सपोर्ट में कि नहीं तरुण गिल सही बोल रहे हैं, लेकिन अब वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे गुरु जी को बीच में इन्वॉल्व कर रहे हैं और उनको डिफेम करने की कोशिश किया जा रहा। पहले उन्होंने सिद्धांत जायसवाल को करा, फिर बीच में गुरु जी को ला रहा। सिद्धांत जायसवाल लाइव पे आके फ्रंट टू फ्रंट उन्होंने सारा जवाब देने के लिए तैयार थे, तब वो लाइव में उनको ऐड नहीं कर रहे थे, फिर ऐड करा तो फिर उल्टी सीधी बातें। तो समझ गया कि सिद्धांत जायसवाल तो भैया ऑन पॉइंट जवाब दे देंगे क्योंकि वो अभी गलत नहीं है, तो फिर उनको किस चीज़ का डर, किस चीज़ का। उन्होंने तो कह दिया कि आपको जो मेरे बारे में निकालना निकालो, ऐसा कुछ भी नहीं है, चिट्टा खुर्चा सब खोल दो। उसके बाद अब वो क्या कर रहे हैं, बार बार गुरु जी का वीडियो VIP लॉन्च का और एक एथलीट्स का दिखा रहे कि वो लेटे हैं ये हैं जो। देखो हमारा कहना है कि आप बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ को रखो, अपनी बातों को रखो, लेकिन आप यहाँ पे गुरु जी को, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि गुरु जी इंडिया में लाइव में बोलता हूँ 70-80% जो भी बंदा जिम जाता है ऑलमोस्ट सभी लोग गुरु जी को जानता है और बहुत रिस्पेक्टफुली वो उन्होंने ऐसा अर्न करा। और आप लोग सभी जानते हो गुरु जी का नेचर, देखा होगा आपने इतने सालों में, ना किसी कॉन्ट्रावर्सी, ना कभी किसी के बारे में, ना फालतू मतलब कुछ भी नहीं है। उनका इंस्टा हैंडल जाकर चेक करना, सिर्फ और सिर्फ वो नॉलेज की बात करते हैं आप लोग के सामने। वो बहुत सारा जो उनके पास नॉलेज हो आप लोग के सामने टिप्स शेयर करते हैं। आपने देखा होगा मैं हर वीडियो में उनका एक टिप्स लेकर आता हूँ, क्यों लेकर आता हूँ, क्योंकि वो जो चीज़ बताते हैं और जो जो जिस तरीके से उनका नेचर है ना, मतलब बोल सकता हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट जेन्युइन गुरु जी बोल सकता हूँ। जो गुरु जी का बर्ड है ना वो उन पर सूट भी करता है। मैं और भी कोचेज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पर्सनली उनकी बात कर रहा हूँ। आप तरुण गिल का देखो क्या है, मैगी वैगी से इनका क्या है सिस्टम जो इन्होंने पैसे वैसे अर्न करने का था करा। अब कुछ नया टॉपिक नहीं मिला शेरू क्लासिक में, कितने वीडियो बनाने का, बहुत सारा उन्होंने वीडियो बना दिया, जज ने ये करा, जज ने वो करा, यहाँ बिलाल अली ये था, वो था, ये था। अब थोड़ा थोड़ा टॉपिक क्या है, मामला थोड़ा दब रहा था, मीन्स लाइक शांत हो रहा था। अब इन्होंने क्या करा, बीच में गुरु जी, क्योंकि गुरु जी का ऑलमोस्ट इंडिया में सभी लोग जानते हैं और बहुत अच्छा इनका एक हाई है, ठीक है। इनके बहुत सारे स्टूडेंट अच्छा करते हैं हर कॉम्पिटिशन में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे शेरू क्लासिक हो, चाहे शेरू क्लासिक के बाहर भी हो कॉम्पिटिशन, वहाँ भी इनके स्टूडेंट अच्छा ही करें, ठीक है। तो अब सोचा इनको बीच में लाएं और कुछ दिन इनको घसीटे बीच में, इनसे पैसा अर्न करो। देखो आप पैसा अर्न करो, और आप लोग एक और बात बताता हूँ, जैसा कि आपने देखा होगा कुछ दिन पहले इन्होंने सिद्धांत जायसवाल के साथ वहाँ पे मुंबई जाकर वीडियो बनाया। ये किसी भी एथलीट के साथ जाकर, किसी भी कोच के साथ जाकर वीडियो क्यों बनाता, ताकि ज़्यादा व्यूज आए, ज़्यादा व्यूज आएगा पैसा ज़्यादा अर्निंग होगा है, और फिर क्या करना उसको नीचे दिखाना, उसको क्या करना है कॉन्ट्रावर्सी में लाना, फिर क्या करना है उनके बारे में बुरा भला बोलना, मतलब उनके घर में जाकर नमक खा रहे हो, फिर नमक हराम वाला काम कर रहे हो आप, तब भी कुछ ऐसा ही कर रहे हो। देखो बोलूंगा ओपनली, ठीक है। तो गुरुजी जी VIP लॉन्च में खाना खा रहे हैं तो उसमें इन्होंने क्या गलती क्या कर दिया। आदि शेरू अंग्रेज लाइक शेरू क्लासिक वाले जो मतलब मनीष गांधी हो गए सारे चीज, अभी उन्होंने इन्वाइट करा था गुरु जी को, तो क्या ऐसे हम लोग जैसे मान के चलो गए थे, जो भी आप सब भाई लोग हम सब गए थे एज ए विजिटर, तो क्या वो एज ए विजिटर गए थे वहाँ पे,
उनको तो बुलाया था ना उन्होंने, और वी आई पी बुलाया था। आप अपने जिम को ओपनिंग करवाते हो, किसी भी एथलीट को बुलाते हो तो वी आई पी में ही बुलाते हो, तो ट्रीटमेंट भी तो आपको वी आई पी जैसा ही करोगे कि नॉर्मल जैसा करोगे, तो फिर डिफरेंस क्या रहेगा वी आई पी और नॉर्मल में? तो क्या हुआ उनको यदि खाना खिला रहे वी आई पी लोगों में, तो कौन सी बड़ी बात है? वो ऐसे वी आई पी गेस्ट में गए, उनको वी आई पी तरीके से वो खाना खिलाया था। बाकी एथलीट्स की यही बात रहा कि एथलीट इस तरीके से सोया था या फिर सोडियम वोडियम लेवल लो हो गया था, शुगर लो हो गया था, जैसा कि सिद्धांत जवाल ने बताया। तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं, तो हर कंपटीशन में होता है, और भी कंपटीशन में क्यों नहीं आप कवर करते हो, और कंपटीशन में क्यों नहीं दिखाते हो ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात, गुरु जी भी तो एक एथलीट थे, लास्ट उन्होंने 30 ईयर्स बॉडी बिल्डिंग लाइन में है, उन्होंने भी तो ये सब चीज नमक पानी सब कुछ उन्होंने भी मतलब झेला है, उन्होंने भी तो छोड़ दे कॉम्पिटिशन कम्पीट करा, तब आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं कि उनको लोग वी आई पी बुलाते हैं, आज उनको गुरु जी बोलते हैं, उन्होंने उस चीज़ को अर्न करा ना। आप क्या करते हो, इतने सारे लोग मैगी और पास्ता और ये फलाना नहीं खाना, और आप सोचते हो कि लोग मुझे भी उस तरीके से ही रिस्पेक्ट करें जिस तरीके से गुरु जी करें। कभी कोशिश, गुरु जी ने कभी ऐसा ज्ञान दिया किसी को दारू पीने के लिए बताया उन्होंने? नहीं। देखो तो बात इतना सा है कि जब इन्होंने मैगी और दारू वारू का जब इन्होंने बहुत सारा वीडियो अपलोड कर रहे थे, गुरु जी एक दो वीडियो में उन्होंने बताया था कि देखो ये सब नहीं करना चाहिए, तो थोड़ा चिड़े गए उससे हैं, क्योंकि आप एक तरफ तरुण दिल को खड़ा करोगे, एक तरफ गुरु जी के तो 50 आदमी को भी खड़ा करोगे ना, तो जो भी लोग रहेंगे ना वो किसका बात मानेंगे? गुरु जी की बात मानेंगे? ऐसे लोगों की क्या बात मानेंगे हैं? तो सोचने वाली बात है। तो यही सब वजह से क्या कर रही है गुरु जी का, देखो यहाँ पे हम हैं यूट्यूबर एज लाइक अ मीडिया, तो हमारा बनता है कि जो इंडस्ट्री में सही है उसको सही बोलना, जो गलत है उसको गलत बोलना। बाकी आप लोग पब्लिक जिसको जनता बोलते हैं, जनता जनार्दन, आप लोग जज करोगे क्या यहाँ पे तमिल सही कर रहा है, वो गुरु जी को डिफेम कर रहा है कि वी आई पी लोग खाना, भाई वी आई पी नहीं, उन्होंने 30 साल खुद को ना घसीटे हैं इसमें, तब आज लोगों को वी आई पी बुलाते हैं, वी आई पी बुलाएंगे तो वी आई पी लॉन्ज में ही खाना खाएंगे, ठीक है? एक एथलीट क्या करेगा वी आई पी लॉन्ज में जाकर खाना खाया या फिर उसका परफॉर्मेंस करेगा है? उसका अपना जगह है, जो गेस्ट है उनका अपना जगह है, नॉर्मल सी बात है। और जो हम नॉर्मल इंसान गए देखने के लिए, तो हमें किस तरीके से मतलब इंट्री हुआ, किस तरीके से नॉर्मल तरीके से नॉर्मल में गए तो नॉर्मल, वो वी आई पी में गए तो उनको वी आई पी तरीके से ट्रीटमेंट मिलता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप उनको बार बार हर वीडियो में दिखा रहे हो कि ये वो, ये बहुत ज़्यादा गलत बात है। और देखो गुरु जी एक ऐसा इंसान है, ऑन सोशल मीडिया कभी भी किसी भी प्रकार का ना उनका एक पोस्ट की बात करता हूँ, ना उनका एक पोस्ट फालतू का होता है, ना कभी वो गलत चीज़ किसी को सिखाते हैं, हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हैं, हमेशा लोगों को इंस्पायर करते हैं। तो आज यदि उनको डिफेम किया जाता है तो हम लोग का राइट बनता है कि हम उनके पक्ष में बोले। तो इस वीडियो को सिर्फ रखने का मकसद यही है कि रिक्वेस्ट करेंगे तरुण दिल से, आप एथलीट्स के पक्ष में बोलो, हम सभी लोग आपके सपोर्ट में। आपने जब एथलीट्स के लिए कुछ कुछ बातें बोला, हमने अपने वीडियो में शेयर करा दी, तरुण दिल यहाँ पे सही करा, लेकिन गुरु जी के बीच में ये ऐसे तरीके से घसीटना, बीच में लाना, ये गलत बात है। और यदि आप ऐसा करोगे तो हम सब आपके खिलाफ, सिंपल सी बात। आप भी मेहनत करो, आप भी कुछ ऐसा अर्न करो, लोगों के मतलब प्यार, लोगों के सामने ऐसा रिस्पेक्ट अर्न करो, हम भी आपको इज्जत दें, लेकिन आप उसके लायक हो नहीं, क्योंकि आप ऐसे ऐसे हरकतें करते हो, कभी कुछ बना देते हो, कभी कुछ कर देते हो। आज आप लोगों को चेकआउट करना है इनके ही चैनल पे, इन्होंने जो गुरु जी का इंटरव्यू लिया जिसपे बहुत सारा व्यूज, लाइक ऑलमोस्ट इनके सारे वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज हुई थी, जिनसे बहुत सारे लोग पैसे कमाए, जिनसे पैसे आप कमा रहे हो, उन्हीं को आज अपनी इच्छा दिखा रहे हो। सिद्धांत जसवाल का वीडियो बनाकर उनसे पैसे कमा रहे हुए हैं, उनके टी शर्ट बन रहे, उनके घर पर खाना खा रहे हो, फिर आज हमें को नीचे दिखा रहे हो, क्या है ये? तो ये चीज बताता है कि ये इंसान कैसे, सिंपल सी बात है, ये भैया किसी का नहीं होने वाला, ठीक है? तो आगे से जो भी हमारे एथलीट्स और भी है ना भैया, आपका थोड़ा फेम कम है, कोई बात नहीं, कम फेम रखो, बट ऐसे लोगों के साथ मिलकर जो भी वीडियो में आना, इंटरव्यू देना, मेरे को लगता उचित है, बाकी आप लोग का चॉइस है, आपकी मर्जी है। बट आज यदि आपको लाएंगे, कल फिर जब समय आएगा ना, आज के 2 साल 4 साल 5 साल बाद, फिर आपको नीचे दिखा देंगे, आपको भी इसी तरीके से डिफेंड कर देंगे है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ होगा, और आप जो भी भाई यहाँ पे हमारे पास संबंध करते हो, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये वीडियो ना तरुण दिल भी देखें और हर एक बंदा देखे जो भी जानता है कि गुरु जी कैसा इंसान है, और गुरु जी के साथ जो ये वीडियो डाल रहा ना, ये कहीं ना कहीं गलत कर रहा था। आप लोग कमेंट भी बताना कि तरुण दिल यहाँ पे 110% में बोल सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहा, और
इस वीडियो को ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।